हाय एवरीवन, आज मैं जा रहा हूँ तुगलकाबाद फोर्ट और यहाँ पे बहुत ही बढ़िया जो किला है जो बनाया गया है और मैं आपको उसकी हिस्ट्री बताऊँगा जो कि गियासुद्दीन तुगलक ने बनाया था और बहुत ही बढ़िया जो फोर्ट है वो बनाया है। तो आप मेरे साथ बने रहिए, अब मैं चलूँगा। सबसे पहले तो ऑटो लेना है, तो मिलते हैं उसके बाद। अब लेनी है मुझे टिकट। तो फाइनली मैं पहुंच गया हूं तुगलकाबाद फोर्ट में और ये आप वे देख सकते हैं, बिल्कुल सीधा बना है और आधा रोड को काट के बनाया गया है और आगे जो गियासुद्दीन तुगलक का जो मकबरा है वो बनाया गया है, तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। तो जब आप यहां से एंटर करोगे यहां पे, तो बाहर आप देख सकते हैं एक जो आर्टिफिशियल जो है वो कैनाल बनाई गई है, क्योंकि यहाँ पहले पानी होता था। पानी अब भी है लेकिन उतना नहीं है। जब राजा के टाइम में यहाँ पे कोई आक्रमण होता था तब यहाँ पे पानी छोड़ दिया जाता था, ताकि जो दूसरी जो राजाओं की जो सेना है वो आक्रमण ना कर सके, और अगर वो आक्रमण करे तो यहाँ पे बहुत सारा जो पानी है उसको पहले क्रॉस करना पड़े पे। और चलिए अब आपको अंदर से दिखाता हूँ। अब थोड़ी स्टेयर जो है वो चढ़नी पड़ेगी यहाँ पे, और बहुत ही शानदार जो व्लॉग है वो बनने वाला है। आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्रकार से जो टिकट है वो ले सकते हैं। दोस्तों मैं आ गया हूँ अंदर और यहाँ मैंने टिकट ली है जो कि 25 रुपये की है, और ये मेन गेट आप देख सकते हैं एंशिएंट टाइम का, अभी भी चला हुआ ये। और आप यहाँ पे पत्थर देख सकते हैं, कितने भयानक जो पत्थर है वो लगाए गए हैं, आप ये देख सकते हैं। और वहाँ जहाज़ भी जा रहा है, और ये जो गढ़ है गुंबद है वो बनाया हुआ है यहाँ पर। तो और दोस्तों आप यहाँ पर मैप भी देख सकते हैं, अगर आप भूल जाएं तो आप इसके बेस पे चल सकते हैं। बहुत ही बढ़िया मैप जो है बनाया है, और आप ऊपर लोग भी देख सकते हैं, बहुत अच्छी फोटोग्राफी जो है वो कर रहे हैं, तो मैं भी आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ से। चलिए दोस्तों, तो ये जो तुगलकाबाद का फोर्ट है ये बहुत ही एरिया में फैला हुआ है, और आप यहाँ भी देख सकते हैं, और जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक बहुत दूर तक फैला हुआ है ये। तो मैं आपको आज इसका पूरा निरीक्षण है वो करके बताऊंगा, और आपको काफ़ी अच्छी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिलने वाली है। ये आप देख सकते हैं कितना बड़ा जो है वो किला है, ये बनाया था गियासुद्दीन तुगलक ने, और ये दिल्ली में स्थित है तुगलकाबाद में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी शानदार यहाँ पे, और वाओ अमेजिंग व्यू यहाँ पे। दोस्तों ये देखिए एंशिएंट टाइम के जो किले हैं वो बनाए गए हैं। तो दोस्तों आप यहां से यहां का फुल नज़ारा जो है वो ले सकते हैं, आप ये देख सकते हैं कितने बड़े क्षेत्रफल में जो है ये फैला हुआ है, और जहां भी आपकी नज़र जाएगी आपको बस ये किला ही दिखाई देगा। और आपको सामने दिख रहा होगा ये मकबरा है, मैं यहाँ भी जाऊँगा, यहाँ भी जो वीडियोग्राफी है वो करूँगा और आपको दिखाऊँगा, तो बने रहिएगा मेरे साथ। और यहाँ से आप देख सकते हैं, देखिए कितनी ज़्यादा मेहनत लगी थी उनकी यहाँ पे, और आप ये देख सकते हैं लोग कहाँ टॉप पे हैं, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा टॉप पे ना खड़े हों क्योंकि ये पत्थर जो हैं वो कच्चे हो चुके हैं, और थोड़ी सी मिस्टेक हुई तो आप गिर भी सकते हैं। और आप ये भी देख सकते हैं, ये देखिए, और बहुत बड़ी अचीवमेंट थी उस टाइम पे इतना बड़ा किला बनाना। दोस्तों आप ये क्रांतिकारी वीर देख सकते हैं, यहाँ चढ़ना उचित नहीं है लेकिन फिर भी लोग यहाँ फ़ोटो खिंचवाने के लिए रिस्क ले लेते हैं, तो ऐसा ना करें। तो आप ये सामने देख सकते हैं यहाँ पे जो मीना बाजार है वो लगता था, और चलिए मैं आपको हिस्ट्री बताता हूँ इसकी। तो आप ये देख सकते हैं मीना बाज़ार यहाँ लगता था, जो रानियाँ महारानियाँ जो थी वो यहाँ पे अपना सामान लेती थी, सजाया जाता था उनको, सजाया जाता था यहाँ से सामान लेके, तो वो यहाँ पे जो है वो सामान लेने आती थी। और चलिए आपको अंदर से दिखाता हूँ अब। तो ये जो अंदर से आप देख सकते हैं कितना शानदार बनाया गया है, और उस टाइम को मैं अगर याद करूँ तो मुझे लगता बहुत चहल पहल होती होगी यहाँ पर बेहतरीन। तो दोस्तों ये जो किला है ये अभी पूरा कोलैप्स हो चुका है, ढह चुका है, खंडर बन चुका है,
अभी भी जो मतलब यहाँ की कलाकारी जो है वो आप देख सकते हैं प्राचीन काल में कैसी कैसी यहाँ पे कलाकारी होती थी। दोस्तों अब यहाँ पे कुएं जो है वो बनाया गया है और चलिए मैं आपको कुआं दिखाता हूँ। और आप ये देख सकते हैं गाइस, इसके अंदर जो है वो पेड़ भी लग गए हैं और ये काफ़ी बड़ा है, देख सकते हैं बहुत बड़ा हॉल, और इसमें अगर गिर जाएं तो बाहर निकलना मुश्किल है फिर। और अब तो काफ़ी झाड़ियाँ भी हो गई है यहाँ पे, तो मैं आपको उस टॉप पे जो है वो चल के बताऊँगा। अभी चढ़ गया हूँ और आप ये देख सकते हैं कितने बड़े बड़े पत्थर जो है वो यहाँ पे खड़े किए हुए हैं। वाह दोस्तों, यहाँ से व्यू देखिए आप। और दोस्तों अब मैं आपको दिखाऊंगा कूड़े का पहाड़। ये जो पहाड़ है ये कचरे का ही बनाया गया है, जो दिल्ली का जो पूरा गंदा है वो यहीं फेंका जाता है। और आप पहाड़ देख सकते हैं, मतलब पहाड़ी बन गई है इसकी तो। और यहाँ से आप फुल व्यू देख सकते हैं सामने नोएडा। और आप ये, मैं इस टॉप पर भी जाऊँगा इस पर, तो आप ये देख लीजिए और बहुत बढ़िया बिल्डिंग्स। और यहाँ से आपको ना वो टेंपल दिख रहा होगा, लोटस टेंपल, ये आप देख सकते हैं जहाँ तक मैं दिखा पा रहा हूँ। ये है लोटस टेंपल गोविंदपुरी में। और यहाँ से पूरी दिल्ली का व्यू दिख रहा है, तो काफ़ी मैग्निफिशेंट व्यू है यहाँ पे। इट्स ऑसम टू सी गाइस, जैसा कि मीना बाजार मैंने आपको अब दिखाया, तो आप उसका फुल व्यू नीचे देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन। तो अब मैं जा रहा हूँ इस टॉप पे, और इस टॉप पे चढ़ के तो बहुत ही तगड़ा व्यू दिखता है, तो चलिए आपको दिखाते हैं। और ये सिंहासन हुआ करता था राजाओं महाराजा का, ये देख सकते हैं जो राजा थे उनका सिंहासन। दोस्तों आप ये देख सकते हैं यार कि कितना यहाँ पे प्यारा जो है वो व्यू है, और मैं हर जगह आपको दिखाऊंगा वहाँ जाके। और सामने जो टॉप दिख रहा है ये वाला टॉप, मैं यहाँ पे भी जाऊँगा, यहाँ से तो बहुत अच्छी वीडियोग्राफी होगी। वाओ काफ़ी बेहतरीन। तो ऊपर का व्यू मैंने अब आपको दिखा दिया, और नीचे यहाँ पे एक जो वॉल है वो लगी हुई है बहुत बड़े बड़े पत्थरों की, तो चलिए आपको मैं वो दिखाता हूँ। तो गाइज आप ये बहुत बड़ा पत्थर जो है वो आप देख सकते हैं, और आजकल के टाइम पे तो इतनी बड़ी कलाकारी करना इम्पॉसिबल है। और आप ये वॉल देख सकते हैं, इस वॉल पर भी कितने बड़े बड़े पत्थर लगाए गए हैं, और बहुत ही खतरनाक पत्थर। तो बहुत बड़ी उपलब्धि थी उस टाइम की ये, और अब ये पूरा खंडर बन चुका है। ये देखो बहुत बढ़िया चुटकू आ रहा है यहाँ पे। चुटकू क्या नाम है आपका? आदेश। आदेश, वाओ तगड़ा आदेश देगा तो किसी को किसी दिन। हाय कर दे, हाय हाय ऐसे कर दे फोन में ऐसे, हाय हाय चुटकू, जिदूंगा तेरे को यार, मैं वीडियो बनाने आया यहाँ पे। और ये तुगलकाबाद में आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया व्यू। और आंटी जी आपका नाम क्या है? सगन, बहुत ही बढ़िया नाम है। और आंटी जी का ये प्यार सा छुटकू, बहुत ही क्यूट छुटकू है ये। चलो सेल्फ फोटो ले लेते हैं एक, ये बहुत बढ़िया। चलो लगे चिज्जी छुटकू तो बहुत खुश लग रहा है अब। छुटकू खा ले अब इसको यार, चलिए अब चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं जो कारागार है वो दिखाते हैं अब आपको। आप ये केव देख सकते हैं, देखने में बहुत डेंजरस जगह लग रही है, और अब आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा जो कारागार थे। तो यहाँ पे जो कैदियों को जो सजा दी जाती थी बहुत ही खतरनाक, तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही खतरनाक और बहुत ही छोटा ये, और मैं बहुत अफ्रेड हूँ अंदर जाने के लिए, लेकिन दिखाना है आपको तो वाओ बहुत ही खतरनाक। और आप यहाँ से देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे, एक नहीं जो कि एक ही टाइम में बहुत सी ज़्यादा जो कैदी होते थे उनको सजा दे सकते थे। तो चलिए इसके अंदर चलते हैं गाइज, ये भी आप देख सकते हैं
इस भूल भुलैया में चलना मुझे बहुत ही डेंजरस लग रहा है। और यहाँ पे जो कैदी होते थे उनको सजा दी जाती थी, उनको अंदर ही रखा जाता था। और बहुत ही जो डिफिकल्ट जब वो सजा दी जाती थी, ऐसे नहीं कोई नॉर्मल जो थी वो यहाँ पे दी जाती थी। तो आप ये देख सकते हैं बिल्कुल स्ट्रेट, बहुत ही खतरनाक। और आप यहाँ पे कलाकारी देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से की गई थी। आजकल कोई भी इतनी जो कलाकारी है वो नहीं, बेहतरीन कलाकारी नहीं कर पाएगा। बीच बीच में यहाँ पे एग्जिट भी बनाए गए हैं जाने के लिए। माय गॉड, देयर इज अ केव, बट आई डोंट नो ये केव कहाँ जाती है और मैं यहाँ पे जाऊँगा भी नहीं। और ये बहुत खतरनाक लग रही है देखने में ही, सो लेट इट बी नाउ। तो दोस्तों आप यहाँ से जो पूरा किले का व्यू है वो देख सकते हैं। और जहाँ भी देखो आपको यही किला दिखाई देगा। और ये है इसका मेन टॉप। और यहाँ से आपको बाहर रोड भी दिखेगा। और जो मैंने आपको कैनाल दिखाई थी वो ये है। और ये जो रोड है ये बना है आपका बदरपुर टू गुड़गांव। पूरा बाहर का व्यू देख सकते हैं। और ये जो दोस्तों ये है ग्यासुद्दीन तुगलक का जो मकबरा है, उनको अंदर दफनाया गया है, तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा, तो बने रहिएगा मेरे साथ। और ये जो किला है वो ग्यासुद्दीन तुगलक ने ही बनाया था और उसने तुगलक वंश की जो स्थापना है वो भी करी थी। तो बहुत ही बड़ी जो है वो अचीवमेंट थी। और बहुत ही और उन्होंने बहुत ही बड़ा जो है वो किला बनाया था। उस टाइम के राजाओं की पावर जो है वो दिखाता था। मैं पहुंच गया हूँ बावली के पास। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी चट्टाने और बहुत ही खतरनाक यहाँ से जो व्यू है। अब मैं आपको पूरा कैप्चर करके दिखाता हूँ व्यू। OMG, और ये आप होल देख सकते हैं इसमें। और ये आप नीचे देख सकते हैं। तो दोस्तों ये देख लीजिए फुल व्यू। यहाँ पे पानी की जो स्टोरेज है वो की जाती थी। और आप यहाँ पे जो लोग पानी लेने उस टाइम पे जो आते थे, आप ये देख सकते हैं सीढ़ियाँ बनाई गई थी उनके लिए। और बहुत ही जो ऊंचा है वो बनाया गया। हमारे टाइम पे तो बावड़ी होती थी छोटी सी, क्योंकि पुराने टाइम में तो लोग बहुत ही खतरनाक होते थे। और आप ये पत्थर देख सकते हैं कैसे लगाए गए हैं। ये देखिए। तो दोस्तों ओल्ड इज गोल्ड। और ये आप देख सकते हैं, मुझे तो यहाँ नीचे देखने में भी डर लग रहा है, क्या बताऊँ। बहुत प्यारा लगा मुझे यहाँ पे ये इतने ऊपर आना। और साइड में जो स्टेयर है वो बनी हुई है, चलिए दिखाता हूँ आपको। ये पत्थरों की कलाकारी देखिए कितनी सफाई से की गई है, बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में ही। तो फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं जो स्टेयर है वो यहाँ से भी है, यहाँ से एंट्री होती है, यहाँ से नीचे और फिर यहाँ और नीचे, ये आप देख सकते हैं। और ये है फुल व्यू। तो इस बावली को देख के तो बहुत ही भयानक जो है वो दृश्य लग रहा है। ये देखिए दोस्तों। तो दोस्तों ये थी यहाँ तक की जो हिस्ट्री थी वो मैंने आपको बता दी। और अब आपको मकबरा दिखाऊँगा। दोस्तों ये किले के बाहर का व्यू। तो दोस्तों ये तो था फोर्ट, जो किला था वो मैंने आपको दिखाया। और आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ यार शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि कैसा लगा। और अब आपको दिखाऊंगा मैं ग्यासुद्दीन तुगलक का जो मकबरा है, मैं आपको वो दिखाऊंगा। तो चलिए चलते हैं।